हमने दो कमांडें करनी है, एक तो मिरर करनी है, ठीक है, मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, एक पॉइंट ये एक पॉइंट, दो पॉइंट देने और एंटर करना, ठीक है। अगर ये लाइन टेढ़ी होगी किसी एंगल पे है तो मिरर जो होगा वो भी एंगल पे होगा। अगर इसको इधर कर देंगे, मतलब डिपेंड करता है दो पॉइंट कौन से ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने ये दो पॉइंट दे दिए तो उसके अकॉर्डिंग ही मिरर होगा। अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट लाइन नहीं लगाई और इसी के दोनों एंड पॉइंटों पे क्लिक कर दिया तो ये ऐसे मिरर। अगर मैंने मिरर करते हुए ये दो पॉइंट ले लिया, फर्स्ट पॉइंट मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, ये इसको ऊपर ही चला गया, ये वाली चीज यहाँ आ गई, ठीक है। यानी कि जो दो पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं मिरर उन दोनों पॉइंटों के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉपी में क्या होता है, कॉपी लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, कहां से उठाया ये इंपॉर्टेंट, यहां से उठाया यहां पर, ठीक है। कॉपी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कहां से उठाया कहां पर, अगर मैंने कॉपी करते हुए दूर से उठाया तो वो रखा भी उतनी ही दूर जाएगा, ठीक है। यानी बेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने कॉपी करते हुए सारे को सेलेक्ट कर लिया तो सारा ही, पर अभी हमें ये नहीं पता लगा कितनी दूर गया ये, है ना। तो अगर आपको डिमेंशन पता है, जैसे ये अभी है 556, है ना, मैंने कहा कॉपी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में 1500 डिस्टेंस पे चाहिए। तो अब यहां से यहां तक 1500, ठीक है, तो हम मतलब एग्जैक्टली उस डिस्टेंस पे जा सकते हैं। कॉपी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया, इधर को जाना है कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। कॉपी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट अगर ऊपर को कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। हमने इनको डायरेक्शन लेनी होती है, हाँ, जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन, कॉपी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट डिस्प्ले। अब जित अगर हम और तो बंद कर दूं तो फिर हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक। कॉपी और मूव में क्या फर्क है, मूव में
ए ऑब्जेक्ट उठ के इधर चला जाएगा, और कॉपी में उसकी एक कॉपी बन जाएगी ना। सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, तो मुझे इन दोनों को अंदर को लेके आना है 600, तो वो 600 नीचे आ गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक 600। दोबारा करते हैं, अगर मुझे मान लो इसको मूव करना है 10, तो 10 अंदर हो, ठीक है, जितनी वैल्यू भर देंगे भी वैल्यू भर देंगे। अगर आप इंचों में काम कर रहे हो तो इंचों वाली वैल्यू भर दो, मिलीमीटर में कर रहे हो। कई बार ऐसे होता है ना, भी हमने कोई चीज बनाई, यहाँ पे मान लो हमने स्टेयर्स बना ली, हमने एक लाइन लगाई, इसको ट्रिम कर लिया, ऑफसेट इधर आ गई, तो कोई कहता नहीं ये तो हमारे को इस साइड चाहिए या बाहर चाहिए जी। तो मूव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, यहाँ से उठा के तो बाहर चली जाए। कोई कहता ये वाली चीज मेरे को इधर भी चाहिए, तो मैं मिरर कर सकता हूँ, तो सारे को सिलेक्ट करो एंटर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट कोई कहता बीच में भी चाहिए, तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसके मिड पॉइंट से उठा के नहीं ये हमारे को यहाँ से 10 डिस्टेंस पे चाहिए या 50 डिस्टेंस पे, जो वैल्यू पता है हमारे को, हम ऑफसेट कर लेते, मान लो मैं 400 ऑफसेट कर लेता, ठीक है, इस लाइन को एक, तो अब मुझे पता है ये 400 है जी, तो मैं मूव करके इसको उठा के यहाँ 400 पे रख दूंगा, बाद में ये लाइन डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस पे आप रखना चाहते हो उतने डिस्टेंस पे रखा जाता है। कई बार ऐसे होता है ये कम बन गई, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो, यहाँ से उठा के यहाँ रखो, तो एक्स्ट्रा हमारे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार सेम रिपीटेशन वाला काम हो सकता है। हमारे को मूव भी आ गया, कॉपी भी आ गया, मिरर भी आ गया, है ना। नेक्स्ट हमारे को करनी है रोटेट। रोटेट सपोज करो आपने कोई चेयर बनाई या टेबल बनाई, ठीक है, ये हम टेबल के पैर बना देते हैं, ठीक है, वैसे तो ऊपर से नहीं नजर आएंगे, चलो बना देते हैं। अब कोई कहता नहीं ये मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो रोटेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट दे दो 90 डिग्री रोटेट, तो रोटेट, मतलब जो भी दुनिया में चीजें घूम रही हैं वो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है ना।
तो अब जितने वैल्यू भर देंगे उतने डिग्री पे तो रोटेट होगी। रोटेट हो गया। अब आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से 10 या ऐसे कह लो यहाँ से 100, यहाँ से 100 ऑफसेट कर लेते हैं। 100 मतलब हमारे को वो पॉइंट क्रिएट करना है जहाँ पे मुझे ये रखनी है, और फिर इसको मूव करके इस कॉर्नर को यहाँ पे रख दो और ये लाइनों का काम खत्म हो गया। अब ये इधर से भी 100 है और इधर से भी 100, यानी जहां रखनी है हमारे को वो जगह भी क्रिएट करेगी। अब कॉपी करके मैंने कहा जी ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, और मैंने कहा जी 500 डिस्टेंस पे, 500 ज्यादा हो गया, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। मैंने कहा जी 100 पे, तो 100 अब रोटेट जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेस पॉइंट। अगर मैंने ये बेस पॉइंट ले लिया तो वो उस बेस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगी। अगर मैंने रोटेट ये बेस पॉइंट ले लिया तो वो इस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगी। तो जैसे अब मेरे को पता है ये वाला पॉइंट मेरा जो है 100 100 पे, तो मैं इसको नहीं ना हिला सकता, फिर मेरे को रोटेट करते हुए बेस पॉइंट वही लेना पड़ेगा ताकि मेरा 100 100 गलत ना हो जाए। ठीक, यानी कि बेस पॉइंट का ध्यान रखना है हमारे को कि बेस पॉइंट कौन सा है। अगर मैं इन दोनों को रोटेट कर देता तो ये दोनों ही रोटेट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। रोटेट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, कोई भी चीज रोटेट होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर मैं वैल्यू माइनस में भर देता हूं, -20, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट है। मतलब प्लस में वैल्यू भरनी है या माइनस में वैल्यू भरनी है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको किस साइड रोटेट है। ये मैंने आर्क लिया, आर्क 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड, और इसको कर देंगे रोटेट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। यहां पे कॉपी की भी ऑप्शन है, कॉपी कॉपी ऑन कर दूंगा और इसको बोलूंगा 30 डिग्री। 30 कम हो गया, 90 कर, 90 डिग्री। ओ सॉरी, कॉपी ऑन नहीं किया, रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट देने के बाद कॉपी ऑन कर और इसको कर देना 90, तो ये 90 पे आ गया। फिर से रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, कॉपी ऑन, 90 डिग्री। ऐसे ही बनेगा। कोई भी आपको पेड़ वगैरह पौधे वगैरह बनाने हैं, ठीक है, बीच वाला ट्रिम ट्रिम कर देंगे वो, तो चलो जितना अच्छा बनाना चाहेंगे उतना अच्छा बन जाएगा, जितना टाइम देंगे उतना अच्छा।
अब एक बार बना लिया आपने तो उसको जितनी मर्जी बार कॉपी करते रहो। यानी आपको हर चीज एक बार बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक बार बन गया तो फिर आप उसको कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे सेम सेम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको रोटेट कर दो, 10 डिग्री रोटेट कर दो तो फिर एक जैसे नहीं ना लगेंगे। रोटेट सारे को बना के बेस पॉइंट और कॉपी ले लिया और यहाँ पे हमने 30 डिग्री रोटेट कर, ठीक है ना। वो तो जितना दिमाग लगाते जाओ उतने हिसाब से बनता जाएगा। अब कई बार ऐसे लगता है ये बड़ा बन गया, मुझे छोटा चाहिए गमले बनाने में, ये इतना बड़ा बन गया तो हमारे को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्केल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट ले लो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर यहां मैं लिख दूं 0.5 तो सारी डायमेंशन हाफ हो गई। ओके, स्केल। अभी देखो जैसे मैं यहां पे डायमेंशन दे देता हूं आपको, ठीक है, ये कितनी है 144 और ये कितनी है, हम थोड़ी डायमेंशन बड़ी कर देते हैं। डायमेंशन बड़ी करनी आती है आपको, इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, आ गई ना डायमेंशन। अगर मैं इसको कर दूं स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, ठीक है, और यहाँ कर दो पॉइंट फाइव, तो 0.5 करने से सारी डायमेंशन हाफ हो गई, 1100 कुछ थी, 500 कैसे, हाँ ठीक है। तो जितना सेलेक्ट किया था सभी सारा सब कुछ हाफ, सारा हाफ। जैसे इसको पकड़ के इधर से पकड़ लिया और ऐसे खींच दिया तो ये डबल हो गया। अगर दो लिख दूंगा तो दुगनी हो जाएंगी। अगर स्केल लेके स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, तीन कर दूंगा तो तीन गुनी हो जाएंगी। तो हमने 0.5 किया था, हाँ तो हाफ हो गई थी। अगर 0.25 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। स्केल में एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती। स्केल लिया, बेस पॉइंट लिया, यहाँ पे ऑप्शन आती है रेफरेंस की, कि मुझे ये बढ़ाना है पर ये 1200 हो जाए, इतना करना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1200, तो ये एग्जैक्ट 1200 हमने सेलेक्ट किया जितना एरिया वही नहीं, बड़ी तो ये भी है। अच्छा, पर उसने इसको इसको 1200 बना दिया, रेफरेंस ये हो गया, तो इसके हिसाब से बाकी सारी जो डाइमेंशंस हैं ये उतने परसेंट बढ़ गई जितना परसेंट इसको बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक 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 ठीक, जैसे 1100 था, हाँ फिर 1200, हाँ ठीक है, मोस्टली बड़ी उतनी है लेकिन जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। हाँ मतलब हमने हमारे पास क्या था, दोबारा से कर लेते हैं, 1163 था, अब मुझे नहीं पता मैं कितने परसेंट बढ़ाऊं तो वो 1200 हो जाए, पर मुझे मेरे रेफरेंस ये है कि मुझे 1200 बनाना है, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तो फूल पौधे है ना, तो उससे मेरे को कोई बड़ा मतलब नहीं है। मैं स्केल करूंगा, बेस पॉइंट दूंगा, रेफरेंस में 2 पॉइंट दूंगा, 2 पॉइंट में 1 सेकेंड, यहाँ पे कर दूंगा 1200, तो ये 1200, ठीक है। इसको करके देखेंगे एक बारी, मैं इसको पॉज करता हूँ फिर आगे और कमांड करता हूँ।